तो हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपका स्वागत है। और आप सभी लोग मुझे जानते हैं, मैं हूँ अनिल बागुल और मेरे चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान। तो दोस्तों, मैं पेड़ पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली, और आसमान के नीचे ये पेड़ है और उसके ऊपर मैं बैठा हूँ पेड़ के पास। तो फिलहाल ये आम का पेड़ है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं गर्मियों के दिन है, तो दोस्तों आप ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपके लिए ऐसा एक वीडियो लाया हो जो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है और आपको समझ लेना है उसे क्या कैसे करना है और कैसे नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप जरूर वीडियो देखें और आगे जाके आपको कोई तकलीफ हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बोले। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक काम करना है, सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करना है और दोस्तों फॉलो भी करना है। तो आपको जो भी परेशानी आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और एडिट करता हूँ और पेश करता हूँ। तो ऑटो रिक्शा ज्ञान में आज का वीडियो है ऑटो रिक्शा का जो मेन सिलेंडर ब्रेक किट है वो रिपेयर करना है, यानी चेंज करना है। तो फिलहाल दोस्तों, ये टू स्ट्रोक हो या फोर स्ट्रोक, ये ब्रेक किट का जो मेन सिलेंडर है उसे अंदर का जो किट है वो कैसे बदलना है। तो फिलहाल दोस्तों, उसका जो स्पेयर पार्ट की दुकान से आप जब भी किट लाएंगे तो उसकी कीमत 130 से लेकर 140, मतलब 130 से 140 के आसपास उसकी MRP हो सकती है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट में उसकी अलग अलग MRP हो सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल फिटर हो या आपका मिस्त्री, जिस कोई भी हो, उसके पास जाने के बाद ये चेक करना है कि आपके ब्रेक फेल हुए हैं या नहीं, या फिर उसमें क्या दिक्कत है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इसके अंदर का जो किट है वो ख़राब हो चुका है और ब्रेक नहीं लग रहा है। तो फिलहाल दोस्तों, ये जल्दी करना है क्योंकि अनजाने में, गर्दी में, भीड़ भाड़ में, या फिर आप तो ऑटो ड्राइवर को सभी लोग जानते हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड 80 के आसपास ही है, पर जब ऑटो ड्राइवर गाड़ी में बैठता है तो उसको लगता है मैं Formula 1 रेस कार चलाता हूँ और वो हवाई जहाज़ की तरह गाड़ी इधर से उधर निकाल लेता है। तो ठीक है, वो भाई दोस्तों ये तो बात होगी अपने अपने ऑटो ड्राइवरों की। तो वो गाड़ी का जो जो भी चीज़ हो, ब्रेक का काम कर लेना है टाइम टू टाइम, तो उसी के बारे में आज का वीडियो। तो फिलहाल दोस्तों, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो था मराठी में, अभी मैं फ़िलहाल हिंदी में बना रहा हूँ। तो फिलहाल वो एक एक चीज़ें कैसे खोलनी है इसका वीडियो, तो आप उसकी दूसरी लिंक भी मैं आपको दे दूँगा जो पहले वाला है, ये दूसरी वाली है। तो दोस्तों, ये देखो आप MRP देख सकते हैं, ये ओरिजिनल बजाज कंपनी का है, और सही तरीके से देख लेना ये बजाज कंपनी का है या फिर लोकल कंपनी का है। तो दोस्तों, ये फ़िलहाल ओरिजिनल ही है, उसे अच्छी जगह रखिए साफ़ सुथरे, और खोलने के बाद जो भी किट है उसे धीरे धीरे खोलने के बाद उसको एक जगह रख देना है। क्योंकि दोस्तों, आपको आता हो तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, या फिर आप फिटर या फिर आपके मिस्त्री के पास आपका बजाज ऑटो रिक्शा का जो ब्रेक किट का मेन सिलेंडर किट है उसे रिपेयर या उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, पुराना ऑयल अच्छा हो तो उसको अलग एक डिब्बे में निकाल ले, या फिर ख़राब हो गया होगा तो आपको बड़ा सा 250 ml की एक ब्रेक किट का ऑयल है वो लेना है, क्योंकि ब्रेक किट का ऑयल अच्छे ब्रांडेड कंपनी का ही लेना है, लोकल कंपनी का ना डालें जिसके आपके ब्रेक किट के जो रबर है ख़राब हो जाएंगे, फिर से आपको दिक्कतों का सामना उठाना ना पड़े। तो दोस्तों, वीडियो तो मैंने बहुत सारे बनाए बजाज कंपनी के ऑटो रिक्शा के या दूसरे कंपनी के भी, तो फिलहाल आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, गाड़ी का ऑयल कब बदलना है, या फिर गाड़ी के जो क्लच पेट है, ब्रेक वायर हो, क्लच वायर हो, या बहुत से जो भी आपको कोई भी वीडियो जो भी पसंद आए उसे लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करना है, और हो सके तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है। दोस्तों, ये किट बिठाने से पहले आप देख सकते हैं उसे कैसे बिठाते हैं आप, वो भी देख लेना और मेरी बातें भी समझ लेना है, सुन लेना है, क्योंकि बरसात होने से पहले ये काम ज़रूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों बरसात के दिनों में गाड़ी के जो ब्रेक ड्रम होते हैं उसके अंदर पानी जाने के कारण, या फिर ब्रेक किट पानी के वजह से ख़राब हो जाता है और ब्रेक फेल होते हैं। तो गर्मी के दिनों में भी होता है, गाड़ी गर्म होती है, लाइनर गर्म होते हैं, और उसके कारण भी ब्रेक फेल हो सकते, तो ये काम धीरे धीरे और सही ढंग से करना ज़रूरी है। बहुत से ऑटो ड्राइवर ये बातें जानते नहीं, इसके लिए हम ये वीडियो बनाते और आपके लिए पेश करते। तो दोस्तों, ऑटो रिक्शा ज्ञान में आप सभी को मेरे तरफ से और मेरे दोस्त इरफान, हम जो वीडियो बनाते फ़िलहाल वो काम में मशगूल है, और मैं कैमरामैन अनिल बागुल और एडिटिंग भी मैं ही करता हूँ। दोस्तों, मैं दोनों भी काम करता हूँ, फिलहाल जो काम हाथ में है वही करना है। तो इसको जो स्प्रिंग और स्क्रू को अच्छे से खोलने का, उसको फिर से अच्छे से लगाना है, और रबर जो अच्छे वाले एक जगह रखो और ख़राब वाले दूसरी जगह रखो, जिसकी वजह से आपको एक साथ अलग अलग, ये अभी ब्रेक ऑयल आ चुका है देख सकते हैं दोस्तों, 88 मतलब बॉस्को कंपनी का ओरिजिनल ब्रेक ऑयल है, लोकल कंपनी के ना डाले। तो फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके पास दूसरा भी हो सकता है, पर ब्रांडेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अच्छी कंपनी का ऑयल डालने से आपके जो ब्रेक किट के जो अंदर के रबर है
या ब्रेक किट के अंदर जो भी आपका जो हाइड्रोलिक सिस्टम अपना जो काम करता है ब्रेक ऑयल से, वो अच्छी तरह से मजबूती से और ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। बहुत से ऑटो ड्राइवर 2 पैसा बचाने के लिए लोकल ऑयल डालते हैं और अपने ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। दोस्तों ऐसा ना करें, मेरी गुजारिश है आपसे, बिल्कुल कभी ना ऐसा करें और अच्छे ही काम, अपनी गाड़ी खुद की समझो। आप ड्राइवर हो या चालक हो या मालक हो, जो भी हो, आप रेंट भी चलाते हो, पर ये काम ज़रूरी है कि अच्छे काम के लिए अच्छे पैसे दो और अच्छी ज़िंदगी जियो और अच्छा काम करो। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और एक एक पुर्जे और एक एक रबर किस तरह बिठाने के लिए वो वीडियो बनाता हूँ और आपको समझाने के लिए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं इसकी एक एक, फिलहाल इसका हाफ किट ही गया था, पर हम पूरा किट बदलने वाले हैं क्योंकि दोस्तों ये पूरा ही खरीदा है, आधा मिलता नहीं है। इसके कारण हम पूरा ही रबर जो हर एक किट का जो अलग अलग सब तरह से अच्छे से फिटिंग करने के बाद उसको चेक करना है और आखिर में उसके अंदर जो नया वाला ब्रेक का ऑयल है वो डालना है। दोस्तों ये काम धीरे धीरे क्यों करना है, क्योंकि ये ऑटो रिक्शा को ब्रेक है गाड़ी रुकाने के लिए ही होता है, क्योंकि गाड़ी में ब्रेक ना हो तो आप समझ सकते हैं गाड़ी में क्या हो सकता है, क्या दुर्घटना हो सकती है। पैसेंजर से लेके खुद को भी बचाना है और गाड़ी को भी बचाना है। दोस्तों बहुत से लोग लोकल क्वालिटी काम करते, चालू चालू काम करते, जिसके कारण ये चीज़ें हो जाती है, जो गलतियाँ अपना करें। और दोबारा काम करने से पहले ये पूरी तरह जानकारी रखे किस तरह फिटिंग करना है, कैसे बिठाना है। तो ये फिलहाल पिस्टन बैठ चुका है और अभी फ़िलहाल ऑयल डालने के बाद इसको यूज़ करेंगे, कैसे ब्रेक का काम फटाफट हो। दोस्तों आप ध्यान से देखते और अच्छी तरह से वीडियो मेरा देखते, इसलिए मैं आपका सबका शुक्रिया करता हूँ। और बहुत सारे आपके जो सब्सक्राइब भी और मिल रहे हैं, तो फिलहाल मेरे वीडियो आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जाके मेरी जो वीडियो कॉपी करके डाउनलोड कर सकते, पूरी तरह फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। और आप और किसी को शेयर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। दोस्तों ये गाड़ी का ड्राइवर है और मेरा दोस्त इमरान, अभी फ़िलहाल आगे की फिटिंग देख सकते हैं। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि और भी दूसरे काम होते हैं दोस्तों, और आपको आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना सकूँ। और आप मुझे लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना। फिलहाल हम तो ये वीडियो चलाते रहेंगे और एक काम आपके लिए ही पेश करते हैं ऐसे वीडियो। दोस्तों फिटिंग करते समय ध्यान रखना है, एक हाथ से भले ही कैमरा पकड़ा हो, दूसरा हाथ अपना जो भी हो काम पे ध्यान देना है और आपके लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए ये वीडियो बनाते हैं। तो ये ब्रेक किट सिलेंडर मेन जो है उसके पूरे नट और उसकी पूरी फिटिंग होने के बाद ही ब्रेक ऑयल डालना है, क्योंकि ब्रेक ऑयल लीकेज ना हो और उसका जो ऑयल है ख़राब ना हो, इसलिए पूरी फिटिंग होने के बाद ही ब्रेक ऑयल डाले। अभी ब्रेक ऑयल अंदर डाल दिया और उसके बाद जो उसका मैक्सिमम और मिनिमम लेवल है उसके ऊपर थोड़ा डाल देना है। फिर उसके बाद गाड़ी का ब्रेक पैंडल फटाफट दबाना है, हाथ से दबाओ, पैर से दबाओ। फिर उसके बाद आपको और एक काम करना है, ब्रेक का जो एयर आता है जो भी निकाल लेना है। अभी वीडियो तो उसकी लिंक और एक है, उसके मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आपका पूरा वीडियो ख़त्म होने पाया तो मैं आगे का सबसे पहले गूगल पे जाके दोस्तों मेरे चैनल का नाम डालना है, ऑटो रिक्शा ज्ञान, उसके बाद एक लिंक खुलने की, लिंक खुलने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मेरे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो यूट्यूब पे मैंने डाल चुका हूँ और आपके लिए, और आपको फॉलो भी करना है क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे आपके लिए नए आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और आप अपडेट्स मिलने के लिए आपको बेल आइकॉन ये दबानी है, उसके बाद मेरे वीडियो आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैं हूँ अनिल बागुल, ऑटो रिक्शा ज्ञान में सभी का स्वागत है। बाय।